ये है असली ऑटोमोबाइल का है फार्मूला कि इस तरीके से हम गाड़ी को चॉइस करना चाहिए हमको। सबसे ज्यादा कस्टमरों के अंदर इशू आता है कि हम पेट्रोल लें, डीजल लें, सीएनजी एईवी लें। अब पेट्रोल में सीएनजी लें, पेट्रोल लें, है कि नहीं ऑप्शन है, कई ऑप्शन है। तो इसमें सोचने वाली थोड़ा सा बात यह है, ध्यान देना कि ईवी हम किस कंडीशन में ले। हाँ, XUV700 7 महीने की वेटिंग थी मेरे को इनोवा पे, हमने क्या किया भाई, ले लिया पेट्रोल इनोवा से। अब रो रहे हैं, सिर पकड़ रहे हैं, बेचने जा रहे हैं डीलर को, वो भी कर रहे हैं पेट्रोल ले जाओ। अब क्यों ईवी में देखे होंगे आग लगता हुआ गाड़ी में, क्या ईवी कंपनी बनाती आग लगने के लिए? राम राम जी। सबसे पहले तो राम थैंक यू राम कि राम राम। आपने मतलब इतना अवसर दिया हमें हाँ मिलने का, क्योंकि कि देखिए एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे से सीखना है, ये भी कला एक होनी चाहिए, यही हमको ऊपर लेके जाता है। बात सही जब है, तक सीखेंगे नहीं एक दूसरे से तो कला कैसे हम आगे बढ़ आगे पाएंगे। भी नहीं बढ़ और पाएंगे। लर्निंग जो है ना, जिसके अंदर है वही सिकंदर है, वरना तो फेल है मामू। तो लर्निंग को कम नहीं रखना चाहिए। जरूरी दिक्कत है कि सबसे ज्यादा कस्टमरों के अंदर इशू आता है कि हम पेट्रोल लें, डीजल लें, सीएनजी एईवी लें। अब पेट्रोल में सीएनजी लें, पेट्रोल लें, है कि नहीं ऑप्शन। है, कई ऑप्शन है। तो इसमें सोचने वाली थोड़ा सा बात यह है, ध्यान देना कि ईवी हम किस कंडीशन में ले। बाद में इस पे डिस्कस करेंगे पेट्रोल और डीजल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो फैसला करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन डीजल पेट्रोल से ईवी में फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा पहले ईवी पे बात कर लेते हैं कि आदमी को बिल्कुल ईवी कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। हम दोनों पॉइंट बताएंगे, कोई जो सच्चाई है वही उस पर बात करेंगे। जरूर जरूर जरूर। ईवी उनके लिए बेटर है जो खाली ओनली सिटी में चल रहे हैं, वो भी 100, 150, 200, 300 किलोमीटर खाली सिटी रनिंग है। ईवी इज द बेस्ट ऑप्शन सिटी के लिए, यदि खाली दिन भर सिटी सिटी में ही घूमना है। जैसे कि मान के चलिए दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गांव है, आसपास एनसीआर में घूम रहे हैं, सबसे बेस्ट है ईवी। कारण क्या है कि ईवी में अभी 5 5 साल 8 7 साल की गारंटी दे रही है, बैटरी गारंटी का दे कोई रहे हैं। इशू नहीं है। तो हमको ईवी पे जाना चाहिए यदि 100 150 200 300 किलोमीटर का भी यदि डेली का रनिंग है, 400 किलोमीटर का भी यदि रनिंग है। अब कहां से, अब ईवी में 500 500 600 का बैकअप दे रहा हाँ वो तो है है, कि नहीं रेंज है। बढ़ता रहेगा गाड़ी का। तो सिटी की जो रनिंग है खासकर, उसके लिए ईवी सबसे बेस्ट है। लेकिन रनिंग यदि हाईवे का भी है और सिटी का भी है, तो थोड़ा यहाँ हमको ट्रैक हमारा घुराना पड़ेगा। डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में कि यार ईवी पे जाए डीजल पेट्रोल पे जाए। समझना कहाँ जाके हो रहा है, जब हमको हाईवे पकड़ रहे हैं तो 50% हाईवे 50% सिटी, तब यहाँ दो तीन ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो अभी दो तीन ऑप्शन पे बाद में आते हैं। ईवी से हम क्यों नहीं ले ईवी, ये भी एक पॉइंट है ना कि हम क्यों नहीं ले। ले तो क्यों नहीं लिए, ले? हमको 350 400 सिटी में रेंज चलना, नहीं है। ईवी इज द बेस्ट, लेकिन ईवी हम ले क्यों नहीं। सपोज कीजिए ईवी का एक माइनस पॉइंट मेरे को ये लगा, हम हमारी गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई, बैटरी डाउन हो गया, घर आने का टाइम हो गया, घर आए 2 4% 5% बैटरी बच गई, हमें यार सुबह जाना है, रात भर लगा देते हैं। घर आए अचानक से कहीं इमरजेंसी हो गया, निकलना पड़ गया, तो क्या, कुछ हादसा हो गया घर के अंदर, तो क्या, कहीं दूर रिश्तेदारों के वहां कुछ बात हो गई, तो क्या, हमारी नई गाड़ी रहते हुए हमको क्या करना है, उस ऑप्शन में हमारे पास क्या ऑप्शन है कोई मतलब एक ऑप्शन ऑप्शनल कार भी रहना है, अगर ईवी है हाँ बट फिर भी एक ऑप्शनल कार रहना है। रहना है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। 5% बैटरी बची है, घर जाके आराम से चार्ज करेंगे, कल ड्यूटी करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। अचानक से फोन आ गया घर आते आते कि यार इमरजेंसी है, फलाना जगह पे हमारे रिश्तेदार में ये बात हो गई, तुरंत निकलना है, फिर क्या, वहां तो हमारा ईवी फेल। दूसरा चीज है कि अचानक से हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, फिर क्या, ईवी फेल, बेचेंगे कैसे, रिपेयरिंग कराने में बहुत पैसे, बैटरी का मेंटेनेंस ठुक गई, 1% इंश्योरेंस खत्म हो गया, गाड़ी ठुक गई, बैटरी डैमेज हो गया, कंपनी गारंटी में देगी बैटरी ठुकने के ठुकने बाद, के बाद तो नहीं नहीं देगी देगा। उसका, उसके बाद से क्या। दूसरा चीज की 5 साल 6 साल की गारंटी हम उतना चला लेते हैं, उसका रीसेल वैल्यू का क्या, कौन लेगा इस गाड़ी को, आखिर हम गाड़ी लेके क्या करेंगे। तो ये कुछ माइनस पॉइंट है। ईवी के लिए बेस्ट पॉइंट है कि हमारा फ्यूल का बचत हो रहा है ईवी में। एक और, थैंक यू क्या बात है, ईवी के अंदर एक और चीज है कि जो एक्सलेट करते हैं ना, जो गाड़ी का पिकअप आता है वो सबसे बेस्ट है, पेट्रोल सीएनजी डीजल से बेस्ट है। जितना बूस्ट तगड़ा मिलता है, बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग ईवी की, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि जहां बूस्ट लगेगा तो कंपनी को ब्रेक पे भी काम करना होगा। ईवी में ये भी फायदे हैं, लेकिन वही जो दो तीन चीजें पॉइंट बताइए, वही ईवी को थोड़ा सा घबराहट करता है। हमारा यदि हाईवे और सिटी बट गया दो हिस्सों में, तो हमें सोचना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा ईवी से डीजल और पेट्रोल पे। बट एक चीज मैं मुकेश जी कहूंगा, हाँ
अभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा बिल्डअप नहीं हुआ, हाँ आगे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा तब कोई टेंशन तब नहीं, 15-20 मिनट में आपका तब कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी प्रेजेंट में बता रहा हूँ, अभी देश घूम के आया, 7,000 किलोमीटर का रनिंग किया, ईवी के लिए थोड़ा फास्ट चार्जिंग का बहुत कम है और बहुत दिक्कत है। हमें पहाड़ों पे जाना पड़ गया, कहीं निकलना पड़ गया दूर 1,000 किलोमीटर, दिक्कत है। तो ये इसको लेके अभी के टाइम की बात बता रहा हूँ, अभी 1-2 साल बाद से ईवी में क्या पता अपडेट करते, अभी मजा काट देगा। तो हमारा कहाँ बट रहा है जाके, 50% हाईवे 50% सिटी। तब सोचना पड़ रहा है कि ईवी के अलावा ऑप्शन क्या है दूसरा, डीजल या पेट्रोल। अब इस पे बात कर लेते हैं कि कब डीजल लेना चाहिए कब पेट्रोल लेना चाहिए, ईवी का तो समझ गया कब लेना चाहिए। यानी कि ये 250-250 सिटी, समझ गए, सिटी में चलना है 250 किलोमीटर के आसपास चलना है तो ईवी पे जाइए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब आता है कि डीजल और पेट्रोल, यदि 250 में चलना है पर डे और आधा डी आधा सिटी और आधा हाईवे पे चलना है, तो भैया ईवी को थोड़ा सा करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और सिटी का मतलब ये है कि एनसीआर सिस्टम मान के चलिए, एनसीआर पूरा, एनसीआर बहुत बड़ा एरिया होता है, यदि इसी एरिया में चलते हैं 2-4 सिटी को घेर के तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन आप दिल्ली से जम्मू जाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा, अवॉइड वो करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज। अब 250 किलोमीटर में डीजल और ले की पेट्रोल ने, जो कि हाईवे आधा है और आधा सिटी है, तो इसमें हमको सीधा सीधा डीजल पे जाना है। लेकिन इस दोनों में यदि हमको 150 यदि चल रहे, मान के चलिए कि 150-150 किलोमीटर चलना है, आधा सिटी और आधा हाईवे, तब क्या करें, तभी भी हमको डीजल पे ही जाना है सबसे बढ़िया। 150 किलोमीटर का चलना है तो भी डीजल पे ही जाना है हमको, यदि हाईवे की बात होती है तो ये सिटी हाईवे, हाईवे सिटी और हाईवे 150 किलोमीटर चलना है तो ये हमको डीजल पे जाना है। लेकिन हमको 100 किलोमीटर चलना है तो क्या करें, 100 किलोमीटर चलना है तो हमको पेट्रोल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, दिन में 100 से माइनस में जाना होगा, यदि 100 से प्लस जा रहा है तो डीजल पे जाना पड़ेगा, 150 से भी प्लस जा रहा है तो ईवी पे जाना पड़ेगा सिटी में, लेकिन हमको हाईवे चलना है तो भी डीजल पे जाना पड़ेगा। लेकिन यदि 100 से नीचे है तब क्या करेंगे, यदि 100 से नीचे है तो चाहे सिटी में हो या हाईवे पे हो, आपको पेट्रोल पे भी जा पेट्रोल पे जाना है। ये कितना, 100 एवरीडे रनिंग, अगर एवरीडे रनिंग 100 किलोमीटर की है तो हमको डीजल, 100 किलोमीटर से कम की है तो हमको पेट्रोल पे भी स्किप करना पड़ेगा, डीजल नहीं जाना है। 100 किलोमीटर से रनिंग कम की है पर डे की, ये पर डे की रनिंग की बात कर रहा हूं मैं, यानी 100 किलोमीटर से कम की रनिंग है तो ना डीजल पे जाना है ना ईवी पे जाना है, हमको जाना है पेट्रोल पे जाना है। अब पेट्रोल में ऑप्शन है पेट्रोल लें या सीएनजी लें, यदि हमारी रनिंग 50 किलोमीटर से नीचे है तो हमको पेट्रोल पे जाना है, यदि 50 किलोमीटर से ऊपर है तो हमको सीएनजी पे जाना है। अच्छा, यदि हमारी रनिंग 100 किलोमीटर की है तो सीएनजी पे सीधा, लेकिन 50 किलोमीटर से कम है तो पेट्रोल पे। ये है असली ऑटोमोबाइल का फार्मूला कि इस तरीके से हम गाड़ी को चॉइस करना चाहिए हमको। अच्छा, ये फार्मूला है, फार्मूला तो बहुत अच्छा हाँ। है, लेकिन सपोज मान लीजिए किसी का गाड़ी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ सिटी में ही चलता है 50-60 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम कभी बीच बीच में हाईवे में निकल जाते हैं थोड़ा महीने में पेट्रोल, तब भी पेट्रोल, क्योंकि लोग ये एक दिन के चक्कर में हाँ। बहुत सारा ऐसा कस्टमर है जो डीजल में शिफ्ट कर रहे हैं। डीजल में शिफ्ट करने से 1-1.5 लाख रुपए महंगा है, एक तो 1.5 लाख रुपए आपको इंस्टेंट खरीदने में भी महंगा देना पड़ेगा, बाद में इसकी सर्विसिंग में क्या कुछ, और डीजल की मेंटेनेंस भी कॉस्ट भी हाई होता है पेट्रोल के मुकाबले। तो औसतन एक सामान्य आदमी कितना चलता है साल का, 10,000 औसत, एक आदमी 12,000 किलोमीटर के हम सामान्यतः चलता है पर ईयर, यानी महीने का कितना हुआ जी 1,000, पर डे का कितना हुआ 30-40 किलोमीटर, सीधा उसको पेट्रोल पे स्किप करना है, सीधा कुछ भी सोचना नहीं है, ओनली फॉर पेट्रोल एक सामान्य आदमी के लिए। कभी कभार निकल गए रिश्तेदार के वहां, कभी हाईवे कभी घूमने निकल गए, पेट्रोल सबसे बेस्ट है।
लेकिन एक पर चलता है ज्यादा, हाँ 150 किलोमीटर। अब जाके बिजनेसमैन कितना चलाता है साल का जी? तो वैसे 20-25 हजार भी चल जाए। 30,000 किलोमीटर एक बिजनेसमैन चलाता है, उसके लिए क्या है, सीधा डीजल पे स्किप करना है। अगर आपका गाड़ी साल में 25-30 हजार चलता है हाँ, तो ही डीजल लेना है, तो ही डीजल लेना है, नहीं तो पेट्रोल, नहीं तो पेट्रोल। 30,000 चलना तय है साल के, डीजल पे जाइए, बहुत पैसे बचा देगा। डीजल जो 1 लाख है ना, वो सीधा आपका पैसे कवर कर लेगा। लेकिन यदि आपको नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल इंसान है, कम चलना है 35-40-50, तो पेट्रोल पे जाइए। वो भी 50 से नीचे नीचे यदि चलना है तो भाई पेट्रोल पे सीएनजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि 80,000 खर्चा करने से कोई फायदा नहीं। यदि आपको लगता है कि 50 से ऊपर किलोमीटर पर डे की रनिंग है, कुछ लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, कुछ लोग पेट्रोल गाड़ी लेता है, हाँ, बाहर से सीएनजी फिटिंग कर लेता है, हाँ, सही है? बाहर से सीएनजी फिटिंग कराना इतना परफेक्टली सही नहीं है इंजन के लिए, लेकिन जो इंजन डिजाइन होते हैं वो पेट्रोल के लिए डिजाइन होते हैं, ना कि सीएनजी के लिए। अब सीएनजी चूंकि लगा लेते हैं लोग, तो किस कंडीशन में लगाना चाहिए? यदि पैसे लगा रहे हैं तो किस कंडीशन में? यदि आपकी रनिंग 50 किलोमीटर से ऊपर हो गई है, 100 हो गई है, 150 हो गई है, तब आप सीएनजी लगाइए। यदि 50 किलोमीटर से नीचे की रनिंग है तो सीएनजी मत लगाइए, और आप बेफजूल पैसा लगा रहे हैं उसमें। हाँ, 50 से ऊपर रनिंग हुई, जैसे ड्यूटी लग गया कहीं लंबा चक्कर, 50 किलोमीटर आना 50 किलोमीटर जाना, शौक से सीएनजी लगाइए। लेकिन आपका 10 किलोमीटर आना 10 किलोमीटर जाना है, तो क्यों सीएनजी से इंजन नाश करवाएं? कोई फायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता है। डीजल में कोई लॉजिक नहीं बनता है, ईवी में आप 5-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। यदि 250 किलोमीटर की आपकी पर डे की रनिंग है, समझ रहे हो, तो ईवी से पैसा वसूला जाता है। यदि सिटी के अंदर, एनसीआर के अंदर है तो, क्योंकि 5 लाख तब दूंगा एक्स्ट्रा, तो हम काम तो निकालूंगा, क्योंकि 250 किलोमीटर को हमको पेट्रोल फूंकने में चाहे डीजल फूंकने में काफी पैसे लग जाएंगे, हमारा पैसा कैसे प्रॉफिट निकलेगा? तो इसके लिए हमको ईवी लेना है, क्योंकि 5 लाख रुपए भी तो निकालना है जो एक्स्ट्रा है। तो 2.5 लाख 250 किलोमीटर सिटी एनसीआर में ईवी, 150 किलोमीटर हाईवे सिटी डीजल, 100 किलोमीटर हाईवे सिटी पेट्रोल, 50 किलोमीटर हाई खाली सिटी और हाईवे तो पेट्रोल ओनली, 50 से ऊपर तो सीएनजी पेट्रोल गाड़ी ले लिए। तो ये ऐसा फार्मूला है कि हर आदमी को ये फार्मूले पर काम करना जरूरी है। एटलीस्ट गाड़ी खरीदने से पहले ये जानकारी कम से कम होनी चाहिए कि जरूरी है, नहीं तो लोग बेफजूल के पैसे भी मतलब लगा देते हैं। हाँ, चाहिए था पेट्रोल, हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस में चलाएगा ले लेगा डीजल और ज्यादा आफत आ जाएगा। अब मेंटेनेंस देखिए, पेट्रोल का कम होता है, डीजल का ज्यादा होता है, ईवी का भी कम ही मान के चलिए जब तक एक्सीडेंट नहीं होता है। प्रॉब्लम भी पेट्रोल गाड़ी में बहुत कम ही रहता है। हाँ, पेट्रोल गाड़ी कम रहता है, एक सामान्य आदमी के लिए पेट्रोल गाड़ी ही सबसे बेटर है। ये फार्मूला था जिसके हिसाब से, जिसके बिना पे गाड़ी हमको लेना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बात कर लेते हैं। उसमें एक क्वेश्चन और है जी, अभी जैसे कि आपके हिसाब से देखिए, आप लोग बिल्कुल एकदम करीबी इन BS6 को देखे हुए हैं, तो मुझे ये चीज क्लियर करनी है कि अभी के टाइम में पेट्रोल BS6 बेटर है या डीजल BS6 बेटर है? उसमें हम कौन सा, ये बात है, ये पेट्रोल BS6 बेटर है कि डीजल BS6? देखिए, मैं तो मतलब हमेशा यही करता हूँ, अगर मुझे कभी अपना गाड़ी लेना है मैं पेट्रोल में जाऊंगा। बिल्कुल BS6 अभी BS6 चल रहा है, अच्छा आगे भी BS4 लेने जाएंगे तो मुझे BS6 में जाना है और पेट्रोल में ही जाना है। डीजल गाड़ी में जैसा सर आपने बताया कि बहुत ज्यादा अगर रनिंग, देखिए मेरा तो काम जो है शॉर्ट का काम है, उतना ज्यादा 1-8 दिन अगर फैमिली को लेके जाएंगे तो तभी मेरा पेट्रोल जलेगा थोड़ा बहुत। मेरे हिसाब से पेट्रोल इंजन ही लेना बेस्ट है, BS6 में हो या आगे BS7 आए कुछ भी आए, पेट्रोल बेस्ट है भाई। और हम जैसा टेक्नीशियन है, हम तो हमेशा पेट्रोल गाड़ी में काम करते हुए भी ज्यादा इजीली मतलब किसी चीज का डायग्नोसिस, आपका गाड़ी में फॉल्ट पकड़ नहीं आ रहा, ये सब ज्यादा आता है डीजल में, पेट्रोल इंजन मस्त है। और इससे रिलेटेड ये जो फार्मूला बनाया, हमने किस गाड़ी पे बनाया है, क्या गाड़ी सोच के बनाया है, कॉम्पैक्ट SUV या फिर CAO, क्या बोलते हैं, नहीं हैचबैक या कॉम्पैक्ट SUV को सोच के बनाया है। लेकिन यदि मिड SUV या फिर फुल्ली SUV ले रहे हैं तो पेट्रोल CNG पे कभी नहीं जाना है, ध्यान करिए, ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ये जो बात हमने बताई है ना, जो फार्मूला, ये सिर्फ हैचबैक और हैचबैक से थोड़ा सा ऊपर जो है
कॉम्पैक्ट एसयूवी, बस उसके लिए फार्मूला है। इससे ऊपर यदि एसयूवी में जाना है तो पेट्रोल को भूल जाइएगा भाई, एसयूवी में नहीं तो खून पी जाएगी। 5 का माइलेज देती है मर्सिडीज का, इतना माइलेज है इसका, ये भी बता देता हूँ, है कि नहीं? 5 का 4 का बहुत सारा लोग। दूसरी मजा भी प्रॉपर नहीं मिलता, डीजल में जितना टॉर्क मिलता है एसी भी फील करा देता है। और नेक्स्ट चीज है, बहुत सारा लोग जाता है डीजल लेने के लिए, और डीजल लेने के लिए जब जाएगा ना सर्विस सेंटर में, और वेटिंग 7 महीना 10 महीना, ईवी का वेटिंग 10 महीना, तो जब वेटिंग देखता है ना, चूंकि जेब की गर्मी रहती है, तो क्या करता है, एसयूवी की बात कर रहा हूं, एसयूवी वेटिंग देखता है ना, तो सीधा क्या सोचता है, पेट्रोल। सबसे भारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है जो पेट्रोल पे वेटिंग देख के एसयूवी के लिए पेट्रोल पे जाते हैं। एसयूवी के लिए पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज को ध्यान करिए। एसयूवी का मतलब है कि डीजल या ईवी पे जाइए, पेट्रोल पे तो सोचिए मत ना, खून पी जाती है पेट्रोल पे भाई साहब। जो जो लोगों ने लिया है गलती से, कौन लोग रो रहे हैं आज की डेट, जिन्होंने बताया 7 महीने की वेटिंग थी भैया स्कॉर्पियो एन पे, क्या 7 महीने की वेटिंग थी मेरे को ये वाले गाड़ी पे, हाँ एक्सयूवी 700, 7 महीने की वेटिंग थी मेरे को इनोवा पे, हमने क्या किया भाई, ले लिया पेट्रोल इनोवा से, अब रो रहे हैं, सिर पकड़ रहे हैं, बेचने जा रहे हैं डीलर को, वो भी कर रहे हैं पेट्रोल ले जाऊंगा नहीं भी, इतना बुरा हाल है। ये चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना सर जी, सही बता रहा हूँ मैं, जिंदगी में ये बहुत मायने के काम की चीज है। शुक्र है याद आ गया था इसलिए बता दिया। हम तो सोच के चल रहे थे छोटा वाला एसयूवी हैचबैक को सोच के चल रहे थे, ठीक है। एसयूवी में पेट्रोल सीएनजी बिल्कुल नहीं जाना है, डीजल या ईवी, ठीक है सर। जैसे अभी बना रहा है गाड़ी, सब बड़ा बड़ा गाड़ी बना दे रहा है पेट्रोल वाला, हाँ ये दो चार गाड़ी कंपनी का नाम पता नहीं, हाँ हाँ इंजेक्टर वगैरह ले लो, हाँ पेट्रोल का, एसयूवी में जा रहे हो माइलेज कम जाता है ना, सबसे पहले माइलेज रुला देता है, एक चीज है पावर लैग होने लगता है। तो एमजी हेक्टर क्या है उसको भी हम कॉम्पैक्ट एसयूवी में गिनती कर लेते हैं, कारण क्या है ना कि गाड़ी बहुत हल्की है। इनोवा ले लीजिए ना, अभी पेट्रोल में रुला देगी, स्कॉर्पियो ले लीजिए रुला देगी, हाँ एमजी हेक्टर पेट्रोल में ले लीजिए बढ़िया है, क्योंकि हाइब्रिड दे रहे हैं उसके साथ। और एक लोगों के अंदर डर है कि डीजल गाड़ी अगर आप छोटा गाड़ी डीजल ले ले तो क्या पता कल बंद हो जाए। हाँ अच्छा, डीजल में पेट्रोल में भी है कि डीजल 10 साल के लिए, पेट्रोल 15 साल के लिए, ईवी का तो अभी पता नहीं है कितना साल का है, अभी तो बस आया है मार्केट में, अभी तो चलेगा, इसका एक्सपायरी डेट तो पता नहीं है, लेकिन डीजल 10 साल के लिए है, तो हमको बहुत ज्यादा रनिंग है हाईवे हाईवे की, तो अब डीजल पे जाना है। एसयूवी में छोटा हो हल्का हो तो पेट्रोल पे जाइए, पेट्रोल पे एसयूवी कब जाना है, जिसका माइलेज 15 प्लस हो, ध्यान करिए। यदि एसयूवी में जा रहे हैं और पेट्रोल लेना है तो जिसका माइलेज 15 से ऊपर है उसी एसयूवी, तो नॉर्मली नहीं देता है 10 कम से कम, नहीं नहीं एमजी हेक्टर देता है 15 प्लस, नहीं तो इनोवा जो आई है अभी हाइब्रिड, हाइब्रिड उसमें भी तो वो 20 प्लस का ही, हाँ तो जो भी 15 से ऊपर जाता है ना तो वो पेट्रोल पे जा सकते हैं, कम की रनिंग है तो 50-100 की, यदि ऊपर की रनिंग है 150 की तो डीजल पे जाइए। ये सारा कॉन्सेप्ट ही यहाँ क्लियर हो गया। बहुत सारा लोग ईवी ले लेता है, और ईवी लेने के बाद खासकर गलती क्या करता है लोग, क्यों ईवी में देखे होंगे आग लगता हुआ गाड़ी में, क्या ईवी कंपनी बनाती है आग लगने के लिए, कंपनी नहीं बनाती, पूरा रेंडी करी रहती है। ईवी में आग कब लगता है, जब आप अलग से होल्डर लगाएंगे, मोबाइल होल्डर, स्टीरियो लगाएंगे, तार कटवा कटवा के डिजाइन डिजाइन का बल्ब लगाएंगे, हाई लाइन का आपकी गाड़ी छोटी सी बुलेरो वाला हॉर्न लगा लेंगे, तो फिर जब वायरिंग काटेंगे, लोड डालेंगे वायर पे ना हार्डनेस पे, तो हार्डनेस हीट होता है, और जब हीट होगा तो आग लगने का चांस होता है। ऐसे कंपनी में ला के ईवी और बिल्कुल वायर और मत कट करें, कोई लोड मत दीजिए, मतलब जो आग लग जाए नहीं लगेगा नहीं। ये सबसे ज्यादा गारंटी भी नहीं मिलेगी यदि आपने वायर कट करके कोई इक्विपमेंट अलग से लगाया तो ईवी खासकर बदनाम हो गई यार आग लग रहा, भाई आग वाग कुछ नहीं लग रहा भाई, आप खुद उसमें कलाकारी करवा रहे हो, उसमें कंपनी का क्या कह सकते हैं। तभी तो कॉन्सेप्ट हमारा सब मैंने लगभग क्लियर हो गया। हाँ अच्छा, यहाँ पे मेरा एक ओपिनियन है, ठीक है, एक कस्टमर को ईवी खरीदना है तो उसके पास और भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, मतलब एक पेट्रोल इधर एक डीजल मिल रहेगा, क्योंकि मान लीजिए एक गाड़ी तो खरीदना होगा तो ईवी में मत चाहिए, ईवी में मत ऑप्शनल, मतलब एक गाड़ी फिलहाल रहना चाहिए ऑप्शनल के लिए यूज, क्योंकि उसके पास एक ऑपरेशन नहीं रहेगा तो ईवी का ऊपर पूरा पूरी जिम्मेदारी नहीं रख सकते, क्योंकि बैटरी मान लीजिए आप इंडिया का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, जो मेरा हर जगह में पावर स्टेशन लगा हुआ है, अगर कुछ हो गया बिल्कुल, तो इसमें एक ऑपरेशन रहना चाहिए। क्या सिंगल गाड़ी खरीदना है तो ईवी में मत चाहिए।
बाकी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सवाले बहुत सारे हैं, आप लोगों के मन में भी कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए, है कि नहीं है। और लाइक यदि ठोक दिए गलती से फिर तो मजा ही काट देना वीडियो में, क्योंकि आप ही जज हैं भाई साहब, क्योंकि हम लोग तो भाई जो व्यूअर्स है उन्हीं लोगों को डिमांड के ऊपर उनकी कितना इंटरेस्ट छोड़ा है उसी के ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं वीडियो बनाए। तो ठोक दीजिए लाइक वाइक भी और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, यार आपका अपना ही चैनल है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सही भाइयों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।